इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहता हूँ और साथ ही साथ मेरे देश और गाँव को विकास करना बच्चों ने किया ऐसा कमाल कि होने लगी चारों तरफ तारीफ। खबर शिवान के भगवानपुर हाट से, जहां प्रखंड के ब्रह्मास्थान गांव में संचालित जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर के द्वारा बच्चों ने हर साल की तरह इस साल भी मैट्रिक परीक्षा में सबसे अधिक रिजल्ट देकर प्रथम दर्जा बरकरार रखा। वहीं संस्था के निदेशक ऋकेश सर ने बताया कि हमारे सभी सहयोगी टीम ने मिलकर काफ़ी मेहनत की और लगन से छात्रों को शिक्षा देते हैं। नतीजा सभी के सामने है, जिसमें 65 बच्चों में से 38 बच्चे प्रथम श्रेणी से पास किए हैं, जिसमें विकास 457 नंबर लाकर, वहीं मोनू 457, अंशु 446 समेत अनेक बच्चे प्रखंड में टॉप किए हैं। आपको बता दें कि कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर ऋकेश सर ने बताया कि संस्थान 10 सालों से टॉपर दे रहा है और आगे भी प्रयास है कि टॉपरों को दिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी 10th क्लास में लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, उन सबको बधाइयाँ देना चाहूँगा। और ये संस्था जो जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है, इसके डायरेक्टर और फाउंडर हैं ऋकेश सर, ठीक है। और यहाँ ये अकेले नहीं बल्कि इनके पूरे टीम हैं जो काफ़ी मेहनत करती है और पिछले 10 सालों से नंबर वन पे है और उम्मीद है कि नंबर वन पे रहेगा, क्योंकि इस संस्था के पढ़ाने का जो कला है, तरीका है, जो अपना मेथड है, बिल्कुल अलग है। किसी से लेन देन ना, बस अपने बच्चों से मतलब रहता है और पढ़ाई से मतलब रहता है। तो इनका जो प्रेरणा है बच्चों के प्रति, जो लगाव है, जो डायरेक्शन है, ये हमको लगता है कि हमेशा जो भी बच्चा यहाँ पढ़ेगा ना, उसका कुछ ना कुछ मतलब कि बेस्ट रिजल्ट होगा। और अब तक तो हुआ है, उम्मीद है कि आगे भी होगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है, क्योंकि 10 सालों में अब तक किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। और हर साल मतलब 400 के अबव ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट हमेशा आते हैं। आप कितना दिन से मतलब टॉपर ला रहे हैं? आप 10 सालों से, जब से ये कोचिंग चल रहा है तब से टॉपर देते आ रहा है। जी, बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा बिलीव ना हो तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं। जी, हम सब बच्चों से बात किए हैं। यहाँ अभी पहले पिछले साल 12th का बैच शुरू हुआ, फर्स्ट टाइम। सारे लोग कहते थे कि यहाँ 10th के स्टूडेंट है, क्या रिजल्ट देंगे। फर्स्ट टाइम में 16 स्टूडेंट में 14 का फर्स्ट डिवीज़न है, 95 नंबर तक मैथमेटिक्स में है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो गट्स है यहाँ के टीचर में और यहाँ के बच्चों में, जो कि ये प्रेरणा देखने को मिलती है। और यहाँ के लोगों का, यहाँ के टीचर का एक ही लक्ष्य है कि हमें मतलब सफलता नहीं देनी है बल्कि काबिल बनाना है बच्चों को, ताकि वो किसी भी फील्ड में क्या करे आगे। जी, बहुत अच्छा है। आपको कितना रिजल्ट आया? मेरा रिजल्ट 433 नंबर आया है। जी, आगे आपका सपना क्या है? मेरा सपना यह है कि मैं आगे पढ़ लिख कर इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करना चाहता हूं और साथ ही साथ मेरे देश और गांव को विकास कराना चाहता हूं। जी, मतलब आपका किस विषय में सबसे ज़्यादा नंबर आया? मेरा मार्क्स मैथमेटिक्स में आया है 96%। जी, बहुत अच्छा है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम प्रिंस कुमार। आपका कितना रिजल्ट आया है? 420। मतलब आपका सपना क्या है? सपना डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। आगे आपको इंटर में किस विषय से? बायोलॉजी से। जी, बहुत आने वाले बच्चों के लिए। आपका नाम क्या है? आपका कितना नंबर आया है? आगे चल के मतलब सपना क्या है? आप कितना ले सकते हैं? आप कितना ले सकते हैं? आगे मतलब आपको इंटर में किस विषय से एडमिशन लेना है? क्या पड़ेगा? अंजलि गोस्वामी। आपका कितना नंबर है? 424। आपका सपना क्या है? मेरा तो बचपन से सपना है कि लाइफ में कुछ बने और माँ पापा नाम रोशन करे, और मैं तो आर्मी की तैयारी करना चाहती हूँ। जी, आपके साथ यहाँ पे कौन है? पिताजी। जी सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, मेरा नाम रामजीत गोस्वामी। जी, आपकी बच्ची इतना अच्छा मार्क्स लेके आई है, मतलब आप इसको क्या कहना चाहते हैं? जी, ये बात तो ऐसा है कि ये तो नंबर और भी लाती, इनको स्कूल में टाइम नहीं दिया गया, पेपर ले लिया समझे, नहीं तो और नंबर लाती। मेरी 5 लड़कियां हैं, तो पढ़ने में सब तेज है, समझे नहीं। और ऋकेश सर का देन है जो कि इतना नंबर लाई, समझे। मतलब आगे आपका क्या करेगी?
जो इनका इच्छा होगा वो जब करेंगे। जी धन्यवाद। आपका कितना नंबर है? आपका सपना क्या है, अभी क्या करना है? करने के लिए मतलब आगे आपको किस विषय से एडमिशन लेना है? साइंस में मतलब बायो से मैथ? मैथ नहीं। मतलब आप किस सर के पास पढ़ते हैं? सर का नाम? कोचिंग का नाम क्या? जी धन्यवाद। आपका कितना नंबर है? 424। आपका किस विषय में सबसे ज़्यादा नंबर है? मैथमेटिक्स। कितना है? 90। थैंक यू। आगे आपका सपना क्या रहेगा? जी आप मतलब किस सर के पास पढ़ते हैं? सर का नाम बताइए। किस कोचिंग में? जेमएस कोचिंग। इसका फुल फॉर्म? जेमएस। जी।